अब खुद देखिए गाइस, तो ये मैं खुद अप्लाई करती हूँ ये चीज़। ये देखिए आप मेरा सर, अभी मैंने हेयर वॉश बिल्कुल नहीं किया, आज मैं करूँगी। तो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइली गर्ल ब्लॉग। गाइस, आज के दिन में कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करने वाली। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डैंड्रफ प्रॉब्लम। गाइस, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेरी जो जॉब है वो फील्ड जॉब है, और मुझे गर्मी में भी, मुझे बारिश में भी बाहर निकलना पड़ता है, जिसके वजह से डैंड्रफ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती ही होती है, लेकिन गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि ये खुद मैं अपने पे ट्राई करती हूँ। आप ये देख रहे होंगे मेरे सर पे, देखिए, ये देखिए, मैंने हेड वॉश बिल्कुल नहीं किया, आज करूँगी, आज मेरी छुट्टी है गाइस। देखिए, ये देखिए, आप खुद देख रहे हैं, मैं खुद ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करती हूँ अपने पे, इसलिए मैंने सोचा आप खुद देखिए गाइस। तो ये मैं खुद अप्लाई करती हूँ ये चीज़। ये देखिए आप मेरा सर, अभी मैंने हेयर वॉश बिल्कुल नहीं किया, आज मैं करूँगी। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मींस कैसे मैं अपना डैंड्रफ प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, जो कि मेरे लिए तो 110% इफ़ेक्टिव होता है। आई होप कि आपके लिए भी होगा गाइस। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप चाहते हैं मैं और भी बेहतर वीडियोज आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, और इसके साथ जो नोटिफिकेशन वाला आइकन आता है उसको भी क्लिक करिए। गाइस, इसके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ लेती हूँ ये कटा हुआ नींबू। अभी देख रहे हैं गाइस, ये सिर्फ नींबू ही है जो कि आपके डैंड्रफ प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं खुद पे ट्राई करती हूँ ये। मैंने आपको अपने बाल दिखाए, देखिए, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है। और होता है ये कई लोगों को, बारिश के सीज़न में तो आम है, तो मैं यही चीज़ ट्राई करती हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको ऐसा नींबू लेना है जिसमें जूस हो। देखिए, इसमें जूस टाइप का ना, हाँ, एकदम कई ऐसे नींबू आते हैं जिसमें जूस नहीं, तो सिर्फ ये नींबू लेना है आपको अपने स्कैल्प में। स्कैल्प में मतलब कहाँ, जो आपका सर का जो स्किन है उसको स्कैल्प कहते हैं गाइस। वहाँ पर आपको अपने ये नींबू ऐसे 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 घिसना है, जहाँ जहाँ डैंड्रफ होंगे वहाँ वहाँ आपको घिसना है। जहाँ जहाँ डैंड्रफ होता है ना गाइस, वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो आपको जहाँ जहाँ लगे कि आपके सर में जहाँ जहाँ डैंड्रफ है, पूरे सर में, इनफैक्ट आप ऐसे करके इसको नींबू को लगा लीजिए, इसको ऐसे प्रेस करिए, इसका जूस निकलेगा, और पूरे स्कैल्प में आप लगा लीजिए अच्छे से, जहाँ जहाँ गाइस। ये लगाने के बाद आपको इचिंग होना जेन्युइन है। जिसके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होगा उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, जिसके सर में डैंड्रफ कम होगा उसके सर में इचिंग बहुत कम होगी। आपको जहाँ जहाँ लगता है आप वहाँ वहाँ पूरे सर पे लगा लीजिए। लगाने के बाद कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट तक आपको छोड़ देना है। गाइस, मैं अपने सर में इसको बहुत अच्छे से लगा लिया है, मैंने बहुत ही अच्छे से। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि मैंने ये नींबू जो है, आपके सर में जितना भी लगे आप लगाइए, और बहुत अच्छे से लगाइए गाइस। सिर्फ नींबू लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं लगाना है आपको। जहाँ जहाँ आपको लगे, जैसे बहुत ज़्यादा इचिंग कहीं होती है डैंड्रफ के चलते, वहाँ भी आप अच्छे से लगाइए। उसको लगा लेने के बाद गाइस, देखिए, मैंने बाल अपने बांध लिए हैं, और सिर्फ 10 से 15 मिनट्स तक इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल, जैसे आप हेयर वॉश करते हैं, जिस शैम्पू से भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो वो डे बाय डे भी इसको यूज़ कर सकता है, जब तक कि डैंड्रफ 100% नहीं ख़त्म हो जाता। या फिर अगर जिसको बहुत ही कम है वो वीक में एक दिन यूज़ करे, या फिर आई थिंक मंथ में भी एक बार यूज़ करेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस, ये थी होम रेमेडी आपके डैंड्रफ की। बिलीव मी गाइस, मैं ये खुद यूज़ करती हूँ, और आपको भी 100% इसका रिज़ल्ट आएगा। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे अच्छी अच्छी और भी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।